Hi guys, welcome to number x. In this lecture we will prove the identity x cubed plus y cubed plus z cubed minus 3xyz is equal to product of x plus y plus z and x squared plus y squared plus z squared minus xy minus yz minus zx. इस identity का proof मैं काफी simple तरीके से करने वाला हूँ, आप घबराइए नहीं. केवल एक identity मैं इसमें use करूँगा, जो आप already जानते हैं वो ये है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी. यदि मैं यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब को कैलकुलेट करूं तो ये आता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी. इसी सिंपल आइडेंटिटी को यूज करके मैं इसको प्रूव करने वाला हूं. आइए देखते हैं कैसे. हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ. पहले दो टर्म को मैं इस आइडेंटिटी को यूज करके लिख सकता हूँ, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy टाइम्स x प्लस वाई, और यहाँ पे z क्यूब रह जाएगा और माइनस 3xyz. अब मैं इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करूँगा यहाँ पे और इसको यूज करके, ठीक है. फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करके टर्म को लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 3xy टाइम्स x प्लस वाई माइनस 3xyz. ओके, अब मैं इन दोनों पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा. तो इससे मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई टाइम्स जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ओके, और ये वाले टर्म एज इट इज यहाँ पे लिख लीजिए, और इसको मैं लिख रहा हूँ 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3xyz. अब फर्स्ट टर्म को आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स x प्लस वाई टाइम्स जेड टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड. अब इन दोनों टर्म्स से आप निगेटिव 3xy कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ निगेटिव 3xy. यदि आप ऐसा करते हैं तो पहले में x प्लस वाई बच जाएगा और यहाँ पे z बच जाएगा. अब ध्यान देने वाली बात क्या है, तीनों में x प्लस वाई प्लस z कॉमन है, तो आप कॉमन फैक्टर ले लीजिए. फिर मैं कॉमन फैक्टर ले रहा हूँ इसमें x प्लस वाई प्लस z. यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा, अब मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, माइनस 3xz माइनस 3yz, और यहाँ पे लेफ्ट ओवर हो जाएगा माइनस 3xy. अब सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे, और फिर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और माइनस में टर्म है निगेटिव 3xz माइनस 3yz माइनस 3xy. ओके, यहाँ पे देखिए प्लस 2xy है और यहाँ पे है माइनस 3xy, यहाँ पे है प्लस 2yz और यहाँ पे है माइनस 3yz, यहाँ पे है 2zx, यहाँ पे है निगेटिव 3xz. ओके, तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, अब ये प्रूव हो चुका है. यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो ये फैक्टर हो चुका है, जो हमें प्रूव करना था हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है. यदि आप इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हाफ कर दीजिए और x प्लस वाई प्लस जेड कर दीजिए, चूंकि 2 से मैंने डिवाइड किया है
इसलिए मैं पूरे इस एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यह हो जाएगा 2x² 2y² 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके, अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, ये वाले टर्म अभी मैं छोड़ रहा हूँ, इसको अरेंज कर रहा हूँ। इसको आप लिख सकते हैं x² प्लस y² माइनस 2xy, फिर आप लिख सकते हैं प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz, फिर आप लिख सकते हैं z² प्लस x² माइनस 2zx। ओके, इन सारे टर्म्स को ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। फिर आप इसको लिख सकते हैं x माइनस y होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये सारी फैक्टर्स एज इट इज आ जाएंगे, हाफ टाइम्स x प्लस y प्लस z। इस आइडेंटिटी को आप दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।